नमस्कार दोस्तों, आज आपको कट्टी बस्ती का पूरा वीडियो बताएंगे। कट्टी बस्ती के क्या क्या बेनिफिट है, कौन सी बीमारी में कट्टी बस्ती करनी चाहिए, कौन सी बीमारी में नहीं करनी चाहिए। अभी स्टार्ट करते हैं हम कट्टी बस्ती का पूरा वीडियो। हम पूरा वीडियो एकदम अच्छे से जो हमारे सेंटर पे होता है वही हम बना के बताते हैं, जैसे एडिट वगैरह करके नहीं बताते हैं। पूरा वीडियो नेचुरल तरीके से जो हम थेरेपी करते हैं वो पूरा बताएंगे आपको, देखते रहिए। इस तरीके से ये कट्टी बस्ती का हमारे पास फ्रेम है और इसका यंत्र भी है हमारे पास ये, तो इससे आप इसका कुंड बना लेने का आटे का। अभी ये अच्छे से आटे का बन जाए, या आटे का अच्छे से बन जाए, आटे अच्छे से बनने के बाद में इसको अच्छे से अंदर से सील करने का, ताकि लीकेज ना होए। पतला आटा लेके उनको अंदर से करने का, आप ये घर पे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये बहुत जन करते हैं घर पे। और जो सेंटर पे नहीं करवा सकते वो घर पे कर सकते हैं। ये कमर दर्द, साइटिका, इसमें बहुत ही लाभदायक है। अभी ये हमने मानारायण तेल ले लिया, ये इस तरीके से इसको ये गरम करके डालते हैं, पानी में गरम करने का, डायरेक्ट उसको चूल्हे पर नहीं, इसको गरम ठंडा करते रहने का। ये इस तरीके से इसमें ठंडा निकालने का, गरम डालने का, ठंडा निकालने का, गरम डालने का, इस तरीके से ऐसे ऐसे होता है, देखते रहिए। और ये साइटिका पेन में बहुत ही लाभदायक है, साइटिका पेशेंट को तो ये करवानी चाहिए, ताकि उसको बहुत आराम मिलता है। ये अभी हमारे सेंटर पे हो रही है। इस वीडियो को पूरा देखें, हमें सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस तरीके से। ये अभी हमने गरम तेल डाल दिया है, गरम तेल डाल के इसको जब तक ठंडा नहीं हुआ जब तक इसको रखते हैं। हम बार बार चेक करते रहते हैं इसको, बार बार चेक करते रहते हैं ताकि ठंडा नहीं हुआ। ठंडा होते ही इसको वापस निकाल के वापस डाल देते हैं। ये वापस निकाल रहे हैं हम, ये ठंडा तेल वापस निकाल रहे हैं। देखिए, हमारा वीडियो में कुछ मिलावट नहीं है, ताकि आपको आराम से अच्छे से समझ में आ पावे। और जब तक समझ में नहीं आएगा तो मतलब इलाज करने का क्या मतलब, और वीडियो बनाने का क्या मतलब। ये इस तरीके से पूरा हमने ठंडा तेल वापस निकाल दिया। अभी देखिए इस तरीके से ये गर्म होता है, ये भी हम आपको बताते हैं किस तरीके से गर्म होता है। ये देखिए, ये इस तरीके से गर्म होता है। ये गर्म होने के बाद में वापस हम इस तरीके से डालते हैं, थोड़ा 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 ऐसे। ये इस तरीके से डालते हैं, ये कम से कम 60 से 80 मिनट तक की थेरेपी रहती है, घंटा से 1.5 घंटे तक चलती है। आप हमारे चैनल पर जाओगे तो आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा। इसमें मैं चैनल का लिंक डाल दूंगा, चैनल को शेयर करें। इस तरीके से हम गरम डालते हैं वापस तेल ऐसे, देखिए। साइटिक का पेशेंट कैसा भी हो, एक बार हमें सेवा का मौका ज़रूर देवे, ताकि उनको ऑपरेशन से और एलोपैथी दवा से हम बचा सकें। देखिए, ये इस तरीके से ये मानारायण तेल से लाभदायक रहती है। हम भी ये ठंडा हो गया वापस निकालते हैं हम। ये कम से कम 4-5 स्टेप होता है ऐसा।
इस तरीके से। ये वापस निकाल लिया, अभी हम इसको निकाल रहे हैं। ये कटिवस्ती का स्टेप पूरा हो गया, अभी इसके बाद में हम फायर कपिंग करेंगे इनको। ये फायर कपिंग का भी वीडियो देखिए, ये इस तरीके से निकालते हैं, देखिए। ये इस तरीके से निकालते हैं, ये निकाल दिया। अभी आटा भी हम उतार रहे हैं। पूरा वीडियो देखें ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ें पूरी समझ में आ जाए। ये इस तरीके से, ये देखिए, ये निकाल दिया। अभी हम इसके बाद में इनको फायर कपिंग करेंगे। पहले तेल लगा देंगे मान नारायण तेल लगाने के बाद में उसको फायर कपिंग करेंगे। ये इस तरीके से हम तेल लगा रहे हैं इनको वापस। ये देखिए, ये भी हम इनको फायर कपिंग करने वाले हैं, देखिए। ये हमने कॉटन ले ली और ये इस एक तरफ चूल्हा जल रहा है और ये मेडिकोन स्प्रेड है, ये इससे भिगो लिया। भिगोने के बाद इसे आग जला ली। आग जलाने के बाद में ये फायर कप ले लिया। अब इस तरीके से ये होती है। ये जब तक हम फायर कपिंग करें उसकी आवाज़ नहीं आवे ना, तो कोई उसमें वैक्यूम नहीं बनता है। वैक्यूम बनना ज़रूरी है उसके अंदर। इसको हॉट कपिंग थेरेपी भी बोलते हैं और फायर कपिंग थेरेपी भी बोलते हैं। एक ही इसको ये इस तरीके से होते हैं। इनका ये पेशेंट साइटी का पेन है, कमर से लेके पैर तक इनको दर्द आता है। इनको अभी 2-3 थेरेपी दी, बिल्कुल अच्छे से इनको आराम है, बहुत अच्छा आराम मिला है इनको। ये इस तरीके से फायर कपिंग करने के लिए हमने ये तैयार किया है। कॉटन लिए और कॉटन लेके उसमें मेडिकल स्प्रेड से जला रहे हैं। जब तक इसकी आवाज़ नहीं बनेगी, जब तक इसका वैक्यूम नहीं बनता, वैक्यूम बनना ज़रूरी है। वैक्यूम बनेगा तभी पेशेंट को रिलीफ मिलेगा।
सब कर दे। अरे हमारे वो इस तरफ दर्द है। वीडियो को देखते हैं। आप कट्टी बस्ती घर पे कर सकते हो, फायर कपिंग वगैरह घर पे नहीं कर सकते। ये हम तो साइटी का पेशेंट को पूरी तरह से ट्रीट करते हैं और उनको 10-12 करके उनका आराम दिला के फिर भेजते हैं। बिल्कुल ही ना के बराबर दर्द रखते हैं। अभी हम इनको जो साइटी का पॉइंट है वो पॉइंट देंगे। इनके जो साइटी का पॉइंट है वो पॉइंट दे रहे हैं। देखते रहिए पूरा वीडियो को। हमारे वीडियो के अंदर मिक्स कुछ भी नहीं है, ना कुछ एडिट, ना कुछ एडिट है उसमें। इस तरीके से सारे पॉइंट दिए जाते हैं। अभी हम स्पिन में इनको चल देंगे। इस तरीके से स्पिन दी जाती है। तीन चार मिनट तक, 10-15 मिनट तक स्पिन देते हैं पूरे, जहाँ पे दर्द रहता है वहाँ पे। इस तरीके से दी जाती है। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, आपने मेरे को सपोर्ट किया। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखे। इस तरीके वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, जब तक हम पूरा नहीं बताएंगे तो वीडियो छोटी करने से कोई मतलब ही नहीं है। थैंक यू दोस्तों।
कैसे भी उनको।